जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज दिनभर की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन में पड़ गई दरार। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कर दिया बड़ा ऐलान, कहा इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं। तो वहीं बीआरएस नेता के कविता ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोली भारत जोड़ो यात्रा कुछ ऐसी है जैसे 1000 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो वहीं राकापा प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के दावे को कर दिया खारिज, बोले नहीं मिला बीजेपी से कोई भी ऑफर। तो वहीं राहुल गांधी को रक्षा पर संसदीय समिति के लिए किया गया नॉमिनेट, आम आदमी पार्टी और एनसीपी सांसद का भी नाम शामिल। तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले बीजेपी की दुम है आम आदमी पार्टी। तो वहीं नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस पार्टी ने खेला बड़ा दांव, विपक्षी दलों को एक बैठक से दे दिया सीक्रेट मैसेज। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा नीत एनडीए गठबंधन के खिलाफ 20 से ज्यादा विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में अभी से दरार आ गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बड़ी बैठक की। मीटिंग को लेकर कयास लगाए जाने लगे कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक साथ आ सकते हैं। इसी बीच दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि बैठक में गठबंधन को लेकर कोई भी बात नहीं हुई। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कोई भी बात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा का और अरविंद केजरीवाल अगला विधानसभा का चुनाव हारेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बुधवार को कांग्रेस आलाकमान ने राष्ट्रीय राजधानी में बड़ी बैठक करते हुए सभी नेताओं को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद अलका लामा ने इस बात का खुलासा किया है। कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद अलका लामा ने बताया कि हमें दिल्ली की सभी सीटों पर तैयारी रखने के लिए कहा गया है, संगठन में सभी को इसकी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि अलका लामा के बयान के बाद इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार पड़ गई है। और बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी के फैसले पर, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला, कहा अब इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है। एबीपी न्यूज को आम आदमी पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी ने कहा कि हमने कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का बयान मीडिया में देखा है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में चुनाव अकेले ही लड़ने का फैसला कर लिया है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी मीटिंग में जाने का अब कोई मतलब नहीं है। इस पर अंतिम फैसला पार्टी की टॉप लीडरशिप करेगी। दरअसल 26 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में तय की है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा है। ये सभी दल बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट हुए हैं। इससे पहले ही विपक्षी पार्टियों की मीटिंग पटना और बेंगलुरु में हो चुकी है, लेकिन तीसरी बैठक से पहले आम आदमी और कांग्रेस में दरार पड़ गई है। और ये बड़ी खबर, बीआरएस नेता के कविता ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोली भारत जोड़ो यात्रा कुछ ऐसी है जैसे 1000 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीआरएस की विधान पार्षद के कविता ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न भारत जोड़ो यात्रा कुछ इस तरह है जैसे 1000 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। के कविता ने भोदान में बीआरएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने 62 वर्षों तक देश पर शासन किया में गरीबी हटाओ के नारे के बावजूद गरीब गरीब ही बने रहे। अगला आम चुनाव निजामाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने की सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के बाद ये के कविता का इस क्षेत्र का पहला दौरा है। बीआरएस नेता के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली आयोजित की। के कविता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक पैदल मार्च निकाला था जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा था। आप जानते हैं कि मैं इस यात्रा को लेकर कैसा महसूस करती हूं। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ऐसा महसूस करती हूं जैसे 1000 चूहों को मारकर एक बिल्ली हज यात्रा को निकलती है। और ये बड़ी खबर है, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी के दावे को कर दिया खारिज, बोले नहीं मिला बीजेपी से कोई भी ऑफर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरद पवार ने कहा कि इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी, भाजपा और उनके साथी विपरीत काम कर रहे हैं, भाजपा से लड़ने के लिए सफल रणनीति बनाएंगे। शरद पवार ने यह भी कहा कि विभाजन दिवस मनाने का फैसला गलत था, भाजपा लोगों में दरार पैदा करना चाहती है और लोगों को धर्म समुदाय के आधार पर बांट रही है।
है। राकापा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि भाजपा सरकारों को अस्थिर कर रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सरकारों को अस्थिर किया गया है। मणिपुर हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि मणिपुर संवेदनशील राज्य है और वहां पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहां की महिलाओं पर अत्याचार भयावह है। प्रधानमंत्री को मणिपुर पर और ज्यादा बोलना चाहिए था। शरद पवार ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार या फिर उनकी बेटी सुप्रिया सुले में से किसी एक को भाजपा से कैबिनेट मंत्री का प्रस्ताव आया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के साथ बैठक में कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी पेशकश नहीं की गई है। चव्हाण ने दावा किया था कि भाजपा के ऑफर के लिए अजीत पवार और शरद पवार के बीच में गुप्त बैठक हुई थी। एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने कहा कि बागी गुट को मेरी फोटो न लगाने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। अब मैं उनके खिलाफ अदालत जाऊंगा। और बड़ी खबर, संजय राउत ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जब तक जीवित हैं वो भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे और 2024 में इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री लाल किले से फहराएंगे तिरंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बुधवार को दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार अपने जीते जी भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रधानमंत्री अगले साल 2024 में दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश उस शुभ क्षण का इंतजार कर रहा है। जब संजय राउत से यह पूछा गया कि अजीत पवार ने बैठक के दौरान शरद पवार को कोई पेशकश की थी तो संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं हैं कि शरद पवार को ऑफर दे सकें। साथ ही संजय राउत ने यह भी ऐलान कर दिया है कि 2024 में इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और विपक्षी गठबंधन इंडिया के ही प्रधानमंत्री अगले साल 2024 में दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश उस शुभ क्षण का इंतजार कर रहा है। और बड़ी खबर, लोकसभा सचिवालय ने लिया बड़ा फैसला। राहुल गांधी को रक्षा पर संसदीय समिति के लिए किया गया नॉमिनेट। आम आदमी पार्टी और एनसीपी सांसद का भी नाम शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के कुछ दिनों के बाद रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति के लिए नॉमिनेट किया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से बुधवार को बताया गया कि कांग्रेस सांसद अमर सिंह को भी समिति में नॉमिनेट किया गया है। मार्च में अयोग्य ठहराए जाने से पहले राहुल गांधी रक्षा पर संसदीय पैनल के सदस्य थे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 7 अगस्त को बहाल कर दी गई थी। दरअसल राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी से संबंधित मामले में गुजरात की एक कोर्ट ने बीते मार्च के महीने में 2 साल की सजा सुनाई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। राहुल गांधी ने सदस्यता बहाल होने के बाद संसद के मानसून सत्र में भी हिस्सा लिया जो कि 11 अगस्त तक चला। लोकसभा सचिवालय की ओर से यह भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू को कृषि पशुपालन और फूड प्रोसेसिंग समिति के लिए नामित किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल लोकसभा सचिवालय ने बड़ा फैसला लेते हुए राहुल गांधी को रक्षा पर संसदीय समिति के लिए नॉमिनेट कर दिया है। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी की दुम है आम आदमी पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की दुम बताया है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी मीटिंग की। इस मीटिंग में संदीप दीक्षित भी शामिल हुए। संदीप दीक्षित ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में डर की वजह से शामिल हुए हैं। उनके इस बयान ने दिल्ली की लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर संशय पैदा कर दिया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन की जरूरत नहीं है, डर की वजह से केजरीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो सकता है। बैठक में अनिल चौधरी, अजय माकन के अलावा दिल्ली कांग्रेस के करीब 30 नेता शामिल हुए लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं हो सका। वहीं दिल्ली सर्विस बिल को लेकर संदीप दीक्षित ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अध्यादेश सही है। अरविंद केजरीवाल पर जो फंदा कसा गया था, जो भ्रष्टाचार के केस में फंसे हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल के पास सर्विस का कंट्रोल आया था उसी रात उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने वाले खुफिया विभाग का दरवाजा रात के 3 बजे तोड़ा और फाइलें गायब कर दी। आपको बता दें कि संदीप दीक्षित के बयान से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच और ज्यादा दूरियां बढ़ गई हैं।
और बड़ी खबर, नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस पार्टी ने खेल दिया बड़ा दांव, विपक्षी दलों को एक बैठक से दे दिया सीक्रेट मैसेज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली आना कांग्रेस के प्रमुख नेताओं का देश की राजधानी दिल्ली के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठक करना, पार्टी की नेता की ओर से दिल्ली की 7 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी का बयान देना, फिर इन सबके बीच नीतीश कुमार का अरविंद केजरीवाल से मिलने का सिलसिला शुरू होने की कवायद होना, सियासी गलियारों में इन सबकी कड़ियां एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दिल्ली में एक तरह से सुसुप्तावस्था में पड़ी कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी को खुलेआम चुनौती दे दी है कि दिल्ली में उनकी दावेदारी 7 सीटों पर होने जा रही है। साथ ही साथ पार्टी ने गठबंधन में शामिल उन सभी दलों को भी यह संदेश दे दिया है कि उनकी पार्टी को पुरानी परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल किसी अन्य राज्य में भी कम सीट देने की बात न करे। आपको बता दें कि सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की इस बैठक से आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर एक तरह से दबाव में लेने की कोशिश भी की गई है और एक संदेश भी दिया गया है कि वो 7 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक आनंद जुनेजा ने कहा कि सियासत में टाइमिंग हमेशा से बहुत मायने रखती है, इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार के दिल्ली में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से बिहार में भी सीटों के बंटवारे का एक तरह से संदेश दे दिया है। और बड़ी खबर, अब इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला, कहा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पैरों तले खींच ली दरी, अब यूपी और बिहार में भी यही होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पैरों तले दरी खींच ली है, यही हाल अब उत्तर प्रदेश और बिहार में भी होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में जेडीयू और आरजेडी दल भी कांग्रेस के साथ ऐसा ही करने वाले हैं, ये घमंडिया गठबंधन 2024 तक भी नहीं टिकेगा। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अब कांग्रेस दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, साफ है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के पैरों से दरी खींच ली है, घमंडिया गठबंधन की तरफ से यह अभी पहला ही रुझान है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आगे कांग्रेस को यूपी में समाजवादी पार्टी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बिहार में आरजेडी और जेडीयू के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को या तो अकेले चुनाव लड़ना होगा या फिर किसी गठबंधन में तीसरे दर्जे की पार्टी रहकर चुनाव लड़ना होगा, उसे पूरे देश में 100 सीट भी लड़ने को मिल पाना मुश्किल है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अब साफ हो रहा है कि घमंडिया गठबंधन केवल सदन में गतिरोध पैदा कर कामकाज रोकने की गलत नीयत व दिखावे के लिए बना था। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह गठबंधन 2024 तक भी नहीं टिकेगा। और बड़ी खबर, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की वापसी पर तेज प्रताप यादव ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले हमारे संपर्क में हैं बीजेपी के कई नेता, 2024 में खत्म हो जाएगी बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 2024 चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, उसकी सफलता और गौरवगान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की इस भविष्यवाणी को लेकर पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे, उनसे कहिए कि उनके बीजेपी के नेता हमारे संपर्क में हैं और 2024 में बीजेपी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है और बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 2024 में बीजेपी चुनाव हार जाएगी। और बड़ी खबर, 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाने की बड़ी तैयारी, अब 5 चुनावी राज्यों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद संभाली कमान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने और दलित मतदाताओं को साधने के लिए खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब मैदान में उतर चुके हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी चुनावी सभा करेंगे। वहीं राज्यों के कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति भी तैयार करेंगे। हाल ही में संसद सत्र के खत्म होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 अगस्त को तेलंगाना, 22 अगस्त को मध्य प्रदेश और 23 अगस्त को राजस्थान का दौरा करेंगे। वे इन राज्यों में रैलियां कर चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे 2024 में हर हाल में बीजेपी को हटाना चाहते हैं, इसीलिए 5 चुनावी राज्यों में खुद उन्होंने कमान संभाल ली है।
अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ पर बोला जबरदस्त हमला, बोले बीजेपी झूठ बोलती है, इन लोगों को बिल्कुल भी वोट मत देना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। बुधवार को लखनऊ से चित्रकूट जाते हुए रायबरेली में कार्यकर्ताओं का हुजूम देख खड़ा अखिलेश यादव रुक गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि वहीं चौराहे पर नुक्कड़ सभा में बोलते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को झूठा कहा और मुख्यमंत्री योगी को किसानों के नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट ना करने की अपील की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ किसानों को लाभ हुआ है जिन्होंने टमाटर की फसल लगाई है। महंगाई कितनी बढ़ गई है हमें नहीं पता कि आपके यहां पर टमाटर क्या रेट है, महंगाई का स्तर कहां पहुंच गया है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री विधानसभा में कह रहे थे कि टमाटर के रेट बढ़ने से हमारे किसान भाइयों को फायदा हुआ है। अब आप किसान भाइयों, माताओं और बहनों बताइए कि आपके यहां पर कितने किसानों को फायदा हुआ और जब आपके यहां पर टमाटर होगा तो कितना सस्ता बिकेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग झूठ बोलते हैं, इनको बिल्कुल भी वोट मत देना। आपको बता दें कि जनता से अखिलेश यादव ने बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, प्रधानमंत्री ई बस सेवा और विश्वकर्मा योजना को मिली मंजूरी, रेलवे के 7 बड़े प्रोजेक्ट पर भी लगी मुहर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को ही बैठक में प्रधानमंत्री ई बस सेवा को मंजूरी दे दी गई। इस पर 57,613 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। इस सेवा के अंतर्गत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये ई बस सेवा 2037 तक चलेगी और ये 100 शहरों में शुरू की जाएगी। इसके अलावा बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्र कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक परिवहन सेवा के विस्तार के तहत ये कदम उठाया गया है। वहीं केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें परंपरागत पेशे से जुड़े लोगों को सस्ती दर पर 2,00,000 रुपए तक का कर्ज मिलेगा। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना से परंपरागत पेशे से 30,00,000 परिवारों को इसका सीधा लाभ होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे के 7 बड़े सेक्शन के लिए प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई। अगली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को दे डाली खुली चेतावनी, बोले समन वापस लें वरना लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के रांची में हुए जमीन घोटाले के केस में ईडी के समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे। हेमंत सोरेन को दिन के 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन उन्होंने उपस्थित होने के बजाय एक पत्र भेजा। इसमें हेमंत सोरेन ने ईडी को समन वापस लेने को कहा। उन्होंने पत्र में लिखा कि समन वापस नहीं लिया गया तो वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ईडी ने राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें समन भेजा है। आपको बता दें कि ईडी को लिखे पत्र के अनुसार केंद्र एजेंसियां पिछले 1 साल से अधिक समय से मुख्यमंत्री को केवल इसलिए परेशान कर रही हैं और निशाना बना रही हैं क्योंकि वो उस दल के साथ नहीं हैं जो केंद्र की सत्ता में है। अगली बड़ी खबर, राक्षस वाले बयान पर रणदीप सिंह सुरजेवाला की बड़ी मुश्किलें, इंदौर में परिवाद दायर, कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी को वोट देने वाले को राक्षस बताने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ इंदौर जिला कोर्ट में परिवाद दायर कराया गया है। परिवाद में रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो बीजेपी के समर्थक हैं वे राक्षस प्रवृत्ति के हैं और जो बीजेपी को वोट देते हैं वे राक्षस हैं। मैं महाभारत की इस भूमि से आज उन्हें श्राप देता हूं। अब ये बयान देना रणदीप सिंह सुरजेवाला को महंगा पड़ गया है। इंदौर की जिला अदालत में इस बयान को लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में 15 सितंबर तक पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।